मैंने कल भी स्टेटमेंट दी थी एक सोच के खिलाफ जो पाकिस्तान कमज़ोर करने की साजिशें करते हैं, जो सिंध सूबा तोड़ने की साजिशें करते हैं, जो सिंधी और उर्दू स्पीकिंग लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ, उस सोच के खिलाफ कल मैंने स्टेटमेंट दी थी। उस पर कल भी कायम था, उस पर आज भी कायम हूँ, उस पर कल भी कायम रहूँगा। सोहेल साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि गोरीबंद लाशें मिली थी और इसके अलावा 12 मई का वाकया का भी आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ नामालूम अफराद भी आ जाते थे रोड पर, इंटेलिजेंस शेयरिंग तो आपके साथ होती होगी, होम मिनिस्टर बींग होम मिनिस्टर, कौन मुलविस थे इन चीज़ों, नाम तो ले लें। एक और चीज़ देखें, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से रद्दुल फसाद ज़रब अज़ब पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGI, उस वक्त का कोर कमांडर, उस वक्त का DG रेंजर्स और इस वक्त का कोर कमांडर, इस वक्त के DG रेंजर्स और आर्मी चीफ DGI, इन सब की कोशिशों, इन सब की कुर्बानियों, पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियाँ, अगर ये बॉर्डर महफूज नहीं होते और अगर कराची ऑपरेशन ना होता तो बोरियां बंद और सुसाइड अटैक्स के जो सिलसिला था वो कभी भी नहीं रुकता। रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सब की कुर्बानियां, आर्मी की कुर्बानियां और विजन मेरी लीडरशिप का और सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की। आपने कल यहाँ बयान दिया जो लोग ये सोच रखते हैं उनके पास सरदारी साहब 9-0 जाके हाथे लगाते हैं, आपके उनके श्रोता थे, वजीर थे, रिमान मलिक साहब पास जाके उनके नंदन जाके मिलते थे, रिमान मलिक साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा सोहेल अनवर सियाल सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल मेरे बयान के हवाले से बहुत बातें की गई।